આપણી સાથે પ્રશાંત તોમર સર છે અને ચિંતન સર છે. બરાબર છે, તો આપણે તમારો ઇન્ટરવ્યુ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. હવે પ્રશાંત સર, ગુડ ઇવનિંગ. મયુર, ગુડ ઇવનિંગ પ્રશાંત સર. તો યાર, માય નેમ ઇઝ પ્રશાંત તોમર, આઈ એમ ફ્રોમ ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ 2019 બેચ. તો એન્ડ અલોંગ વિથ મી ઇઝ ચિંતન. ચિંતન ઇઝ ઓલસો આઈએફએસ 2019 બેચ ફ્રોમ ગુજરાત. તો ઠીક હે, તો હમ દોનો યાર કોશિશ કરેંગે જિતના ફીડબેક તુમે દે સકતે હૈ. હા સર, ઓર પહેલી બાર હૈ મેરા ઇન્ટરવ્યુ, તો મુજે ભી જાનના હૈ. બિલકુલ, તો બિલકુલ કમ્ફર્ટેબલ હો કે આરામ સે દેના, જૈસે તુમ્હારા નોર્મલ નેચરલી તુમ દેતે હો ના, બિલકુલ એસા કોઈ ટાઈમ ફોલો કી જરૂરત નહીં, બિલકુલ ફ્રી હો કે એકદમ બાત કરના. ચલો ફિર સ્ટાર્ટ કરતે હૈ ના. સો મયુર, પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર સેલ્ફ. સર, મેરા નામ મયુર પરમાર હૈ. મેને અપની પ્રારંભિક ઓર માધ્યમિક શિક્ષા જો હૈ વો સુરત સે હી કી હૈ. મેને અપના ગ્રેજ્યુએશન જો હૈ વો बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में SVNIT से सूरत से ही किया है. और 2017 में ग्रेजुएशन होने के बाद मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ. और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है जब मैंने प्रीलिम और मेंस क्लियर किया. ठीक है, मेरे ऑप्शंस क्या थे आपके? सर, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिटरेचर ऑफ गुजराती लैंग्वेज. अच्छा, तो जैसे आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप सिविल इंजीनियरिंग में कंफर्टेबल नहीं थे ऑप्शनल लेने में? सर, मैंने सीनियर से जो बात की थी उस हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग के लिए डेफिनेटली सर समय एक ज्यादा ज्यादा चाहिए था प्रिपरेशन के लिए, जबकि जो गुजराती लिटरेचर है उस वो चूज करने का एक रीजन ये भी था कि मैंने 1 से 12 तक की मेरी पूरी स्कूली शिक्षा जो है वो गुजराती मीडियम में ही की है. और जो मोस्ट ऑफ सिलेबस जो है, खास करके साहित्यकार कवि उसके रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में पढ़ लिया था. और उसी के संदर्भ में मैंने गुजराती लिटरेचर समय के अनुरूप मैंने चूज किया. ठीक है, चिंतन. ओके, तो गुड इवनिंग मयूर. गुड इवनिंग चिंतन सर. सो हाँ, तो आपने प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा और आपका ग्रेजुएशन भी आपने सूरत से किया, तो मुझे बताइए कि सूरत में क्यों वर्ल्ड के 80% डायमंड पॉलिश होते हैं? सर, अगर हिस्ट्री के संदर्भ में देखें तो जो साउथ अफ्रीका के अफ्रीका खंड के जो लेबर थे वहां पे जो डायमंड पाए जाते हैं वहीं से ये शुरुआत हुई थी. और जो गुजरात के उद्योगपति जो है उसने इसमें हिस्सेदारी की थी. तब से सूरत में और लेबर जो है वो भावनगर सौराष्ट्र रीजन से काफी मात्रा में मिल जाते हैं. इसी के संदर्भ में सूरत डायमंड हब बना हुआ है. आप कुछ ब्लैक डायमंड के बारे में जानते हैं? और ब्लड डायमंड के बारे में? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं. और मुझे बताइए, सूरत में एशिया का बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट है, तो मुझे बताइए उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर, जो खास करके डाइंग मिल्स है वो पांडेसरा उधना के इलाके में सूरत में स्थित है. और इसी के संदर्भ में जो डाइंग मिल्स है खास करके टेक्सटाइल मार्केट रिलेटेड, उसमें यूपी, बिहार और ओडिशा से लेबर भी मिल जाते हैं. और इसी के संदर्भ में टेक्सटाइल सेक्टर का विकास हुआ है सूरत में, जहां तक मेरी जानकारी है. तो मुझे ये बताइए कि अभी कोरोना महामारी के कारण पूरे भारत में, पूरे विश्व में उसकी असर हुई है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि सूरत में मोस्टली बेस है, तो उस पे क्या असर हुई थी? सर, एक तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है लॉकडाउन के कारण, खास करके मार्च के बाद 2020 के बाद, मार्च 2020 के बाद लॉकडाउन के कारण जो फैक्ट्री जो उसको बंद करने का आदेश दिया गया, तो उसी के संदर्भ में जो मजदूर थे खास करके यूपी, बिहार और उड़ीसा के, उन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया था. फिलहाल जैसे ही इस लॉकडाउन के अनलॉकडाउन के चरण आरंभ किए गए, फिर से फैक्ट्री स्टार्ट हुई. अब आप जानते होंगे कि हाई स्पीड रेल है जो अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा एरिया कवर करेगी, तो क्या इस तरीके के बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए,
वो सही प्रोजेक्ट है या फिर अभी के हमारी जो रेलवे है उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए? सर मैं इस बात में ये कहना चाहूँगा कि हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए वित्त की जरूर होती है, लेकिन ये जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है उसमें जापान सरकार के सहयोग द्वारा जहाँ तक सर मेरी जानकारी 0.1% के अनिमतर प्रतिशत पर ब्याज लिया गया है, और उसी के संदर्भ में तकनीकी सहायता भी जापान द्वारा दी जा रही है। और अगर ओवरऑल देखें तो एक तकनीकी आदान प्रदान की वजह से आने वाले दिनों में भी हमारी जो रेल सिस्टम है उसमें उन्नति होने की संभावना है और रोजगारी बढ़ने की भी काफी संभावना है, तो मुझे लगता है कि ये सही कदम है। अभी आप जानते हैं कि सूरत से एक फेरी अभी अभी स्टार्ट हुई है, कहाँ पर शुरू हुई आप जानते हैं इसके बारे में? सर सूरत हजीरा से भावनगर की, सर मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन दीव या फिर भावनगर दोनों में से एक की, भावनगर या फिर दीव दोनों में से एक। हाँ अभी दीव की स्टार्ट हुई है। यस तो मुझे ओके ये बताइए कि आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कभी विजिट किए हैं? नहीं सर मैंने नहीं किया है। ओके आप मुझे बताइए कि आप गुजरात डेवलपमेंट मॉडल के बारे में जानते हैं? यस सर, खास करके जो औद्योगिक क्षेत्र है उसी के संदर्भ में गुजरात डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट की बात की जाती है, और खास करके अगर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसका महत्तम भाग जो है वो गुजरात से होके गुजरता है, और उसी के रोड पर हाईवे पर धोलेरा स्मार्ट सिटी खास करके इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पे विकास की संभावना बनाई गई थी। उसके बाद जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ पे भी जो सिरामिक इंडस्ट्री है खास करके सीमेंट के रिलेटेड इंडस्ट्री है, खनिज के रिलेटेड, और ये सारी इंडस्ट्री का कनेक्टिविटी पोर्ट तक आसानी से हो जाए उसी के संदर्भ में गुजरात मॉडल की बात की जाती है। और गुजरात ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विद्युत की मात्रा 24 घंटे मिलती है ऐसा कहा जाता है, तो उसी के संदर्भ में खास करके गुजरात मॉडल के बारे में बात की जाती है। मयूर आपने जो सर्विस प्रेफरेंस दी है तो आपकी पहली प्रेफरेंस आईएएस है, दूसरी आईपीएस है, तीसरी आईआरएस है और चौथी आपकी फॉरेन सर्विस है, तो फॉरेन सर्विस आपने चौथे स्थान पे रखी, इसका कोई खास कारण? सर एक खास कारण तो ये है कि मैं भारतीय संस्कृति से ही जुड़ा रहना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये है कि 12th के बाद मेरी इंग्लिश काफी वीक थी, हालांकि अभी इम्प्रूव हुई, और डेफिनेटली मैं ये काबिलियत रखता हूँ कि IFS मिलने के बाद भी जो भी मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़े जो भी देश वो सीखने के लिए मैं सक्षम हूँ, लेकिन हालांकि मेरे पास विकल्प था और उसी के संदर्भ में मैंने IAS और IPS को पहले। आपके फादर भी गुजरात पुलिस में थे तो? सर वो अभी है। आपका अभी भी है? अभी रिटायर नहीं हुए है, अभी भी सर्विंग है, अभी भी हेड कांस्टेबल पद पर। तो अच्छा, तो पुलिस जो प्रशासन है उसमें क्या समस्या है आप देख सकते हैं, मतलब आपके जो फादर है वो सर्विस करते हैं वहाँ पे, तो क्या लगती है समस्या है आपको, अगर आप SP बनते हैं तो आप किस तरह से उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं? सर पहली समस्या तो डेफिनेटली ये है कि करीब 86-90% के बीच जो पुलिस कर्मचारी है वो कॉन्स्टेबल के पद पर विराजमान, यानी कि उसको उसकी वजह से उनकी जो सक्षमता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। सर दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो 40+ के जितने भी पुलिस कर्मचारी है खास करके आजकल जो नए थ्रेट आ रहे हैं जैसे कि साइबर थ्रेट, ऑनलाइन फ्रॉड, ऐसी समस्याएं सुलझाने के लिए अभी भी हमारी पुलिस फोर्स कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तैयार नहीं है, और काफी कम मात्रा में पुलिस फोर्स होने के नाते दबाव भी ज्यादा रहता खास करके लॉकडाउन में, ये पैंडेमिक में काफी कम पुलिस फोर्स की वजह से वित्तीय भार भी ज्यादा रहता है, और एक परसेप्शन भी ये बना हुआ है कि आसानी से अगर सामान्य इंसान जाता है तो उसको विलंब का सामना करना पड़ता है या फिर भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है, ये भी एक समस्या है।
अच्छा गुजरात मॉडल की आपने जो जवाब दिया अभी पहले, जैसे अभी जो किसान आंदोलन हुआ था तो उसका कुछ प्रभाव गुजरात के ऊपर भी आया, या गुजरात मॉडल और किसान आंदोलन दोनों एक अलग अलग चीजें? सर अगर विस्तृत तौर पे अगर देखा जाए तो गुजरात पे इसका बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है, जो नगण्य मात्रा में है, और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ही ये प्रभाव सबसे ज्यादा है। अच्छा गुजरात को एक पीसफुल स्टेट माना जाता है, मतलब क्या कारण है कि गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की उतनी समस्या नहीं है जितनी यूपी बिहार में है? आप इससे सहमत है, और सहमत है तो क्यों है ऐसा? सर अगर कंपैरिजन की जाए विविध इंडेक्स की, तो मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दूसरे राज्यों के, खास करके यूपी बिहार के सापेक्ष में अच्छी है, और इसका एक मुख्य कारण गुजरात का ड्राई स्टेट होना है। ऐसा कहा जाता है कि प्रायः अल्कोहल की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने के हालात बनते हैं, खास करके डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड। दूसरा सर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक आर्थिक रूप से सदर होने के नाते, खास करके सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जो है वो 1600 मीटर की गुजरात के पास है, और उसकी वजह से समुद्री व्यापार जो है उसमें, खास करके कंडला पोर्ट, पीपावाव पोर्ट, उसके संदर्भ में व्यापार की बहुत सारी संभावनाएं है, और उसी के संदर्भ में गुजरात सरकार द्वारा भी वाइब्रेंट गुजरात जैसे मूवमेंट के सम्मेलन के बाद निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो रोजगारी की दूसरे राज्यों की सापेक्ष में अच्छी तक ये सारे कारण है कि एक पीसफुल स्टेट माना जाता है। अच्छा आप मुझे बताइए, आपने वाइब्रेंट गुजरात के बारे में अभी आपने बोला है, तो अभी तक कितने सबमिट हुए हैं और अभी तक कितने आश्रय एमओयू हुए हैं, उसके सक्सेसफुल परसेंटेज कितने हैं? सर मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन 11 प्लस समिट हो चुका है, 11 के आसपास, और एमओयू और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ओके, आपने एक कंपटीशन कराटे के पार्टिसिपेशन किया है, अभी एक पहल चली थी कि ओलंपिक्स में कराटे को एक स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया जाएगा, तो अभी उसका स्टेटस के बारे में आप जानते हैं कुछ? सर मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं एक सुधार करना चाहता हूँ कि वो एक्चुअली जो मैंने करा वो मेरा वो फाइनल डीएफ नहीं था, तो वो जो मैंने पार्टिसिपेट किया था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, हालांकि वो जो एनजीओ है उसका नाम गुजरात स्टेट कराटे फेडरेशन था, और उसी के संदर्भ में मैंने तो आप मुझे बताइए कि कराटे और ताइक्वांडो के बीच में डिफरेंस क्या है? सर इसके बारे में जान। ओके, आप मुझे बताइए जैसे कराटे कहाँ जापान का मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो भारत के मुझे 5 मार्शल आर्ट फॉर्म्स के आप नाम दीजिए। सर एक मणिपुर में थांगटा करके, सर बाकी के मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन पंजाब और तमिलनाडु में। ओके, अपने आपको बताओ जैसे कराटे है वो तो आउट ऑफ इंडिया का मार्शल आर्ट फॉर्म है, लेकिन इंडिया के मार्शल आर्ट फॉर्म से वो इंडिया में इतने फेमस नहीं है, या उसको इतना लोग सीखते भी नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको मतलब अच्छे हमें फेमस करना है तो क्या किया जाए? सर मैं महत्वपूर्ण कारण इसका ये मानूंगा कि जो हमारी शिक्षण संस्था है, खास करके प्राइमरी विद्यालय, वहाँ पे ये एक्टिविटी ज्यादातर नहीं कराई जाती, ऑलरेडी हमारे देश में अवसंरचना की कमी है, और अगर हमें कराटे जैसी मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि स्कूली लेवल से ही ये आगे बढ़ाया जा सकता है, और आज वहाँ पे ऐसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, खास करके बोर्डिंग स्कूल में हर रोज या फिर वीक में एक बार ऐसे स्पोर्ट के रिलेटेड कार्य किए जाते हैं, और जितनी जो संस्था है उसको अगर राज्य सरकार समर्थन दे, राज्य सरकार की तरफ से अगर जैसे कि खेल महाकुंभ और उस गुजरात सरकार की तरफ से ऐसे अगर प्रतियोगिता कराया जाए तो इसमें प्रोत्साहन मिल सकता है। गुजरात का कोई रीजनल मार्शल आर्ट फॉर्म के बारे में आप कोई जानकारी? सर इसके बारे में मुझे जानकारी। ओके, आपका एक है जॉगिंग आपकी हॉबी है,
मुझे बताइए आप डेली या फिर वीकली कितना किलोमीटर का जॉगिंग करते हैं? सर मैं ऑसेशनली 5 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ। हालांकि मैंने सर 2007 के यानी कि 7 से यानी कि 7th स्टैंडर्ड से ही जॉगिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में था और कॉलेज में भी ऑसेशनली करता था। लेकिन उसके बाद स्टेट में भी वैकेंसी आती है PSI की, खास करके PI की, तो उसी के रिलेटेड मैं ये एक्टिविटी में अपना इंटरेस्ट मैंने बनाए रखा है और करीब मैं 35 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करता। 35 मिनट में 5 किलोमीटर आप कहाँ पर करते थे, मतलब हार्ड सरफेस पे या फिर नॉर्मल सॉफ्ट सरफेस पे? सर यहाँ पे एक गार्डन है जिसका स्टेडियम करके है, वहीं पे मैं और मेरे दोस्तों के साथ हम जॉगिंग करते हैं और वो स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए पूरा बना है। मुझे बताइए वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? सर जॉगिंग और रनिंग की बात करें तो जॉगिंग रनिंग का ही एक प्रकार है, लेकिन वहां पे स्पीड कम होती है। लेकिन अगर उसकी तुलना वॉकिंग से करें जॉगिंग की, तो सर तकनीकी टेक्नोलॉजिकल टर्म में अगर कहा जाए तो जॉगिंग में एक शायद मिलीसेकंड ही ले ले, उस उतने समय के लिए हम जमीन से टच नहीं होते हैं, हमारे दोनों पैर हवा में होते हैं। लेकिन वॉकिंग में किसी पर्टिक हर एक समय पे हमारा एक एक पांव का जरा सा भी स्पर्श जो है वो जमीन पे हुआ होता है। ओके तो मुझे बताइए जॉगिंग में आप इतने समय से कर रहे हैं, आपको कोई इंजरीज हुई है? हाँ सर इंजरी हुई और कई बार हुई है, खास करके जब मैं बीच में रोक देता हूँ, अभी लॉकडाउन में ही मैंने और उसके बाद वापस शुरू करता हूँ, तो एंकल और नी में कई बार अच्छे तरह से प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग ना करने की वजह से मुझे इंजरी हुई है। ओके गुड। अब आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, मुझे बताइए अब आप शिफ्ट होते अगर सिविल इंजीनियर से सिविल सर्विस में, स्पेशली फॉर एग्जांपल लेट अस से एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, तो उसका आप एप्लीकेशन कहाँ पर कर पाएंगे? सर खास करके टेंडरिंग प्रोसेस में कर पाऊंगा और खास करके एक सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग का भी था जिसमें समयावधि निश्चित की जाती है, उसी के संदर्भ में भी मैं इसका उपयोग कर पाऊंगा। एक सब्जेक्ट जो है वो वाटर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के संदर्भ में भी है, तो खास करके अगर सुदूर क्षेत्र है यानी कि डिस्ट्रिक्ट में ही जो पेरीफेरी एरिया है गांव के एरिया, जैसे कि सूरत की बात करें तो डुमस, वहाँ पे जहाँ पे पानी की तंगी की समस्या है पीने के पानी, वहाँ मैं इस एप्लीकेशन का यूज कर सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है। अपने दहेज स्मार्ट सिटी के बारे में बताएं, मुझे बताइए गुजरात में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत कितने सिटी स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किए गए? सर मुझे पर्याप्त आंकड़े याद नहीं है, लेकिन सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और लास्ट में दाहोद भी, यानी कि 6 या फिर 6 से ज्यादा सिटी को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किए गए। आप इस पे श्योर है 6 से ज्यादा? यस सर 6 से ज्यादा पर मैं इसलिए श्योर हूँ क्योंकि 4 शुरुआत में किए गए थे और 2 बाद, ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं अगर गलत हूँ तो मैं जान कर दे सकता। ओके अब और आपने वाटर प्योरिफिकेशन और उसके बारे में बताया, मुझे बताइए गुजरात एक लौता ऐसा स्टेट था जिसमें डिकेडल एरिया देखा जाए, डिकेडल रेट देखा जाए तो ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज हुआ था कंट्री के अन्य क्षेत्र के सापेक्ष में, बताइए ऐसा क्यों हुआ था, कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जो सक्सेसफुल हुई थी गुजरात? सर हालांकि ग्राउंड वाटर लेवल क्यों ऊपर आया इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जो योजना है वो शायद सौनी योजना, सौराष्ट्र अवतरण इरिगेशन योजना हो सके। ओके सौनी तो 2017 में ही अभी बहुत नहीं है, अच्छा। उसके पहले की योजना है आप कोई जानते हैं? उसके पहले सुजलाम सुफलाम योजना थी। ओके आपने एक बताया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन में गुजरात ने बहुत अच्छा किया था, तो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन मॉडल के बारे में आज आप कुछ बता सकते हैं गुजरात के? सर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है,
खास करके प्राइवेट सेक्टर को इसमें भागीदार किया गया है। मुझे लगता है कि इसी के संदर्भ में तकनीकी उन्नयन की वजह से ये लाभ गुजरात को मिला है। मयूर, तो आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो मतलब आपने कैसे ये डिसीजन लिया कि भाई मेरे को पब्लिक सर्विस में आना चाहिए, क्योंकि आपका कॉलेज भी बहुत अच्छा है, एनआईटी सूरत से आपने बीटेक किया, तो आपने इसी में अपना करियर बनाने का क्यों नहीं सोचा? सर, अगर सिविल सर्विस में आने की बात करूं तो मेरे पिताजी के थ्रू ही मुझे पता चला था, क्योंकि कमिश्नर श्री द्वारा उनकी पोस्टिंग बदली जाती थी और उसी के बारे में मुझे यूपीएससी के बारे में जानकारी मिली थी। और कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में मैंने यूपीएससी करने के लिए सोचा था। और सर, एक रीज़न ये भी है कि इंग्लिश की वजह से मेरा जो बेस जो होता है फर्स्ट ईयर और खास करके सेकंड ईयर भी, वो थोड़ा वीक रह गया था। और उसी के संदर्भ में मेरा फिर कोर इंजीनियर कोर टेक्निकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम रहा था और सिविल सर्विस के प्रति मेरा ज्यादा। अच्छा, आपने सोनी परियोजना के बारे में बताया, तो ऐसी एक इंटर रिवे लिंकेज का भी बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा सिलेबस में, तो ये जो इंटर रिवे लिंकेज की जो बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की रिवर्स की, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर, अगर मैं अपने विचार की बात करूं तो एक बड़े लेवल पर इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी और बहुत सारे वित्तीय संसाधनों की इसमें आवश्यकता होगी, खास करके बड़ी नदियों को जोड़ने के बारे में। जो हमारे राज्य है उन राज्य के बीच जो गतिरोध चल रहा है, जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, वो समाप्त करने की भी आवश्यकता होगी। और साथ में जो अंतर चीन और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र है उसके साथ भी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। तो सर, मेरा मानना है कि पर्यावरणीय और अन्य पहलुओं को देखते हुए भी एक स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे, यानी कि पर्टिकुलर राज्य के अंदर या फिर दो या तीन उससे ज्यादा राज्यों को मिलाकर ऐसी परियोजना को एक निश्चित क्षेत्र में शुरुआत में आयोजित की जानी चाहिए। ठीक। अच्छा, आपसे कुछ साल पहले गुजरात में जो ये पाटीदार आंदोलन हुआ था, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? सर, मेरा विचार ये है कि सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं ये आंदोलन के पीछे मूल आधार माना जा सकता है। आप इस मतलब इस सर, इंटरव्यू बंद हो गया है, मीन्स आवाज भी नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, ओके सर। हाँ मयूर, अभी हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ सर, आ रही है। सर, मैंने सवाल सुना नहीं, वो बंद हो गया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो पाटीदार आंदोलन जो चला था गुजरात में और उसकी जैसे ही और भी राज्यों में आंदोलन हुए थे, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, कितना सही है कितना गलत है? सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है और खास करके ऐसे क्षेत्र में रोजगार की अपेक्षा करना जहाँ पे उसको जाने की इच्छा हो, और उसी के संदर्भ में मुझे लगता है कि ये आंदोलन का महत्वपूर्ण तथ्य था कि आंदोलन होने का। ओके, मैं आपको अब इंटरनेशनल रिलेशन के तीन क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। सार्क का अभी क्या रिलेवेंस है इस समय पे? सर, 2016 या 17 में परफेक्ट याद नहीं कर पा रहा, लेकिन उरी पे अटैक होने के बाद आज तक सार्स की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई, लेकिन ओके, मैं मेरा क्वेश्चन कि अभी रिलेवेंस है या नहीं है उसका सार्क का। सर, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो पाकिस्तान के अलावा भी अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे सारे हमारे पड़ोसी देश जो है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए, चीन कारक को भी संतुलित करने के लिए और हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, खास करके ईस्ट एशिया पॉलिसी वगैरह संदर्भ में भी सार्क का अभी काफी रेलेवेंस है। और सार्क के
अलग रूप से एक बीमस्टेक के द्वारा भी हम सार्क के जो मुद्दे है उसको हम बीमस्टेक के माध्यम से भी हम वार्ता के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बीमस्टेक सार्क का स्थान ले सकता है? सर बीमस्टेक अगर देखा जाए तो खास करके बे ऑफ बंगाल के रिलेटेड इश्यू के बारे में ज्यादा फोकस करता है। हालांकि अगर साउथ एशिया में अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी बनाए रखना है खास करके पाकिस्तान के संदर्भ में अफगानिस्तान के संदर्भ में तो मुझे लगता है कि दोनों का अपना अपना महत्व है। अभी जो अफगान पीस टॉक्स चल रहे हैं उसमें इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए? सर इंडिया की तरफ से ऐसा जाहिर किया गया है कि जो इंडिया जो है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्मित अफगानिस्तान की प्राप्ति चाहता है और अमेरिका द्वारा जो अमेरिका द्वारा सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलो आप बोलिए। सर अमेरिका द्वारा जो उसकी फोर्सेस हटाई गई उसके बारे में भी इंडिया द्वारा संदेह उत्पन्न किया गया है क्योंकि उसके द्वारा तालिबानी और शक्तिशाली हो सकते हैं और पाकिस्तान फैक्टर को भी इसमें चिन्हित किया गया है कि अमेरिकी फोर्सेस जाने के बाद पाकिस्तान जो है वो वहाँ के तालिबान के साथ खास करके ISI तालिबान को वित्तीय सहायता के संदर्भ में भारत के लिए चुनौती पेश कर सकती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देना वगैरह के संदर्भ। क्या भारत को तालिबान से वार्तालाप करना चाहिए? सर अगर एक हमारे आर्थिक क्षेत्र देखे खास करके चाबहार बंदरगाह के माध्यम से जो अफगानिस्तान तक के व्यापार को बढ़ाना है और अफगानिस्तान में भारतीय जो आर्थिक रोड कनेक्टिविटी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि खास करके नेचुरल गैस पाइपलाइन का भी तापी जैसी परियोजना क्रियान्वित करनी है तो मुझे लगता है कि तालिबान से इस संदर्भ में बात करना भारत के लिए आर्थिक क्षेत्र पर सकारात्मक कदम होगा। ओके, आपने अपनी एक हॉबीज में लिखा है कि आप कबड्डी खेलते हैं, आप मतलब किस लेवल पर तक खेले हैं कबड्डी? सर मैं तालुका लेवल तक ही खेला हूँ, हालांकि मुझे कबड्डी का शौक है। ओके, मुझे बताइए कि नेशनल लेवल पे तीन महत्वपूर्ण कबड्डी की कौन कौन सी टूर्नामेंट होती है? सर नेशनल लेवल पे? सर नेशनल लेवल पे कहाँ? सर मुझे नेशनल लेवल चैंपियनशिप के बारे में आइडिया नहीं है लेकिन प्रो कबड्डी लीग के बारे में। ओके, मुझे बताइए लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था कबड्डी का उसमें कौन चैंपियन हुआ था? सर लेटेस्ट जो 2016 में जो कबड्डी कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया ही चैंपियन हुआ था ईरान को हरा, और सर अभी तक तीन ही वर्ल्ड कप हुए और तीनों में भारत ने जीत हासिल की है। अब देयर इज दिस एक डिस्प्यूट है कि अलग अलग स्थान वो कहते हैं कि कबड्डी वहां से उद्भवित हुआ है, तो आपकी राय क्या है कहाँ से कबड्डी उद्भवित हुआ है, उसका मतलब मेन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से? सर ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के जो अभिमन्यु का संदर्भ दिया जाता है कि वहीं से ही कबड्डी की शुरुआत हुई, और एक तथ्य ये भी सामने आता है कि तमिलनाडु की जो एक शब्द था हालांकि मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाया हूँ उसी के वजह से ही एक कबड्डी शब्द आया था और जिसमें तमिल शब्द का मतलब होता है हाथ से हाथ जोड़ना। तो सर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि हालांकि विद्वान भी श्योर नहीं है कि क्या वाकई में ये सही है या गलत। अभी कबड्डी को बहुत बार सोचा गया कि ओलंपिक स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाए, तो उसके मतलब कब ये ऐसा हुआ है आप इसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं? हाँ सर जब सर मैं पर्टिकुलर साल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर है राज्यवर्धन सिंह राठौर उनकी तरफ से ओलंपिक कमेटी में ये सुझाव दिया गया था कि कबड्डी को भी ओलंपिक में शामिल किया जाए लेकिन अभी तक नहीं किया गया। ओके, मुझे तीन फेमस कबड्डी प्लेयर्स के नाम जो इंडिया से है
उसके बारे में बताइए। सर अजय ठाकुर वो एक, हालांकि अभी इंडिया के कैप्टन भी है, रेडर है, वो एक फेमस है। इसके पहले हालांकि अभी शायद रिटायर माने जाते हैं सर अभिनव कुमार, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा नाम। और तीसरा जो है वो सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके ओके लीव इट। मुझे बताइए कि जैसे कबड्डी की अभी लीग हो रही है तो आपने देखा होगा कि उसको भी काफी प्रशंसा मिली है, तो आप क्या मानते हैं वो सक्सेसफुल है या अभी तक सक्सेसफुल नहीं है? और दूसरी बात, अगर उससे भारत के एज अ स्पोर्ट कबड्डी पे क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे बताइए। सर प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जिस साल हुई थी, हालांकि 2016 के आसपास हुई थी, उस वक्त आईपीएल के बाद अगर दूसरी कोई स्पोर्ट ऐसी लीग अगर देखी गई हो तो वो कबड्डी थी। करीब 400 मिलियन व्यूज आए थे। और इस संदर्भ में कबड्डी को, खास करके पुरुष कबड्डी वर्ग को, काफी प्रोत्साहन मिला है। और जैसा कि विविध राज्यों के युवाओं भी इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा स्कूल का दोस्त जो है वो भी कबड्डी कैप्टन है गुजरात की टीम का, तो मुझे लगता है कि एक युवाओं को इसमें आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन लेने के लिए प्रो कबड्डी लीग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। अहमदाबाद में जो कबड्डी स्टेडियम है वो कहाँ पर है और उसका नाम क्या है? सर इंदौर कबड्डी स्टेडियम है। और सर उसका जो लोकेशन है वो जो सर वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तालाब का नाम वहां पर है। ओके, मींस मुझे कुतुबिया काकरिया। ओके, हाँ। और आखिरी आपको प्रशांत सर आपको पूछेंगे, मैं आपको दो सवाल ऐसे पूछूंगा जिसमें आपके सिर्फ हाँ या ना क्वेश्चन देना होगा। क्या आप EWS रिजर्वेशन सपोर्ट करते हैं या नहीं? सर अगर एक अच्छे सकारात्मक रूप से देखा जाए कि जिसको ये वाकई में उसको जरूरत है, जिसको समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से मुख्य धारा में लाने की जरूरत है और उसी को ये लाभ मिले, तो मैं इसको समर्थन करता हूँ। ओके, जो गुजरात में प्रोहिबिशन है यानी दारूबंदी, आप राष्ट्रीय स्तर पे उसको लागू करने के समर्थन में है या नहीं? हाँ या नहीं जवाब दीजिएगा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन आप शायद ये पूछ रहे हैं कि प्रोहिबिशन को लीगल करना चाहिए या नहीं। नहीं, जो गुजरात में अभी प्रोहिबिशन है, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? सर बीच में आपकी आवाज कट गई, आप इतना सुना दिया कि गुजरात में जो प्रोहिबिशन है। ओके, अभी आपको सुनने दे रहा है? यस सर। ओके, मैं गुजरात प्रोहिबिशन है, क्या उसको समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पे लागू किया जाए? तो उसमें आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सर आप अल्कोहल की बात कर रहे हैं? हाँ, दारू बंद। नहीं सर, पूरे देश में इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन, अगर आप सिविल सर्विस है तो आपकी तीन महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज क्या होगी? सर मेरी पहली प्रायोरिटी तो यही होगी, पहला काम भी। मतलब पहला काम आप कौन से करना चाहेंगे? सर प्राथमिक काम तो मेरा मैं यही करना चाहूंगा कि जो भी सरकार की नीति है उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित हो, खास करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है आरोग्य क्षेत्र की, जो बेनिफिशियरी है उस तक अगर लाभ नहीं पहुंच रहे तो जो भी बाधाएं आ रहे उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, यही मेरी प्राथमिकता होगी। और दो
और सर मैं एजुकेशन सेक्टर में खास करके जैसे कि मैंने सर्व शिक्षा कहा, खास करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पे अवसंरचना का अभाव है, सरकारी योजनाओं के अनुसार जो भी सहायता हो सके, खास करके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में भी मैं एजुकेशन फैसिलिटी को सुदृढ़ करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एजुकेशन ही है जो आर्थिक गरीबी, सामाजिक सारी समस्याओं का हल माना जाता है। और तीसरी सर मैं स्वास्थ्य के अवसंरचना पर भी ध्यान देना चाहूंगा। ओके प्रशांत, आपको कुछ सिर्फ भारत लेकिन संपूर्ण विश्व में, जैसे कि साउथ अफ्रीका में भी उसका योगदान रहा है, वो तो महात्मा गांधी जी है। दूसरा सर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा सर श्याम जी कृष्ण वर्मा, और चौथा सर सरदार सिंह राणा। अच्छा, मैं आपसे बस अंतिम सवाल पूछता हूँ, महात्मा गांधी जी जो कि राष्ट्रपिता भी है, आपको क्या लगता है कि आज के वर्तमान समय में उनकी शिक्षा कितनी रिलेवेंट है हमारे लिए और कितनी नहीं है? सर आज के वर्तमान समय में खास करके उसकी शिक्षा जिसको वो केड़मरी कहते थे, नैतिक संदर्भ में उसकी काफी जरूरियात है, खास करके क्राइम के रिलेटेड, जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसके रिलेटेड नैतिक शिक्षा की काफ़ी ज़रूरत है। और भी उसके जो प्रयत्न थे वो जो शिक्षा के तौर पे जाने जाते थे, जैसे कि पर्यावरण बचाने के संदर्भ में वो खुद रिसोर्स का जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करते थे, तो एक एनवायरमेंट एजुकेशन के तौर पर भी उनके विचारों की काफ़ी ज़रूरत है। सर अगर ये आप पूछेंगे कि उसका रेलेवेंस किस बात में नहीं है, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा हार्ड होगा और मैं इसके बारे में फिलहाल जानकारी देने के सक्षम। ठीक, ओके, थैंक यू मयूर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।